करेंगे तो क्या आंसर आएगा? द सेम आंसर विल कम. ओके, फॉर एग्जाम्पल 9 माइनस 0. ओके, 9 माइनस 0. तो 0 मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग. ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन वी सबट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो द सेम नंबर विल कम एज द आंसर. जो दूसरा नंबर था वो वापस से आ जाएगा आंसर में. मतलब 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9. ठीक है, 0 माइनस करने पर पहले वाले नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन वी सबट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं, 0 मतलब नथिंग, कुछ भी माइनस नहीं करना है. अगर कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो क्या बचेगा? जो पहला वाला नंबर है वो एज इट इज बचेगा. ओके, 0 मतलब होता है कुछ भी नहीं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैंडीज है, यू आर हैविंग 10 कैंडीज, आपके पास 10 कैंडीज है, ठीक है, और मैम ने आपको कहा कि नहीं, किसी को भी आपको कैंडी नहीं देनी है, 0 कैंडीज यू हैव टू गिव, मतलब आपको किसी को कोई भी कैंडी नहीं देनी है, तो क्या आपके पास जो कैंडीज है उनमें कोई फर्क पड़ेगा? जब आपने वो कैंडीज में से किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी कुछ नहीं दिया, तो आपके पास कितनी कैंडी बची? अगेन 10 बची आपके पास, बिकॉज आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने 0 कैंडीज दी. तो 0 मतलब होता है नथिंग. तो जब हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो जो पहले वाला नंबर आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल कम सेम, 9 माइनस 0 9. अगर यहाँ पर 6 होता तो 6 माइनस 0 6, लाइक दिस. ठीक है, चलो राइट डाउन. अंडरस्टूड एवरीवन? जब हम रियाज कवर योर माउथ, व्हेन वी ऐड और सबट्रैक्ट, जब हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उस नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज आ जाता है. दैट मीन 0 की वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती. ओके, 0 मतलब नथिंग. जब हम कोई नंबर में कुछ प्लस ही नहीं करेंगे, कुछ माइनस ही नहीं करेंगे, तो नंबर में कोई फर्क ही नहीं आएगा. द नंबर विल रिमेन द सेम. ओके, सो द फर्स्ट वन इज 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9. द सेम वे यू हैव टू डू. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू काउंट द थिंग्स एंड राइट डाउन हियर. कम ऑन, काउंट इट. 1 2 3 4 5 6. सो राइट डाउन 6 हियर, राइट डाउन 6 इन द बॉक्स. 6 लिखना है आपको, बिकॉज 6 सर्कल आ गए हैं. ओके, 6. और यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर कोई सी पिक्चर है? नो, मतलब 0 पिक्चर है, 0 पिक्चर. तो यहाँ पर ऑलरेडी 0 लिखा है. देखो, 0 मतलब नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0. तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? अभी मैम ने क्या बताया था? 6 माइनस 0 इज इक्वल टू, जब अगर किसी नंबर में 6 ऐड होता है या 6 माइनस होता है तो जो नंबर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, द नंबर विल रिमेन द सेम. ओके, सो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज काउंट द ऑब्जेक्ट. 1 2 3 4, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर देयर? 4. सो राइट डाउन 4 हियर इन द बॉक्स. ओके, नाउ यहां पर हमने 4 लिखा एंड कुछ यहां पर है क्या? इज एनीथिंग इज हियर? नो, नथिंग. तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन 0. 0, तो ऑलरेडी 0 इज रिटन, 0 मतलब कुछ भी नहीं है. तो जब हम 4 में से 0 माइनस करेंगे, व्हेन वी सबट्रैक्ट 4 0 फ्रॉम 4, तो आंसर विल रिमेन द सेम, 4. जब हम 4 में से कुछ माइनस करेंगे ही नहीं तो आंसर तो सेम आएगा, है ना? 0 मतलब नथिंग. देन नेक्स्ट 1 एंड 2, हाउ मेनी शेप्स आर देयर? 2. Limaki, all right, I understood, Bita. Do not write again and again. Write down 2 here. 2. Okay. Up now you have to minus
टू फ्रॉम जीरो. ओके, सो जीरो मतलब कुछ भी नहीं है. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन वी ऐड और व्हेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी ऑफ द नंबर, जब हम किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो द नंबर विल रिमेन द सेम. नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. जैसे यहाँ नाइन में से जीरो माइनस करा तो अगेन नाइन आ गया, यहाँ पर अगेन सिक्स, अगेन फोर, और यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट कम्स हियर, टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू. ऑलराइट, ऑलवेज रिमेम्बर माइनस या प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसी में भी अगर हम कोई भी नंबर में जीरो को करते हैं ऐड या माइनस, व्हेन वी ऐड और माइनस सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर, द नंबर विल रिमेन द सेम. ओके, नाउ क्लोज दिस बुक एंड ओपन लिटरेसी वर्कबुक पेज नंबर 56. लिटरेसी वर्कबुक पेज नंबर 56. Riyan, sit properly. What are you doing? How you are sitting? Where is your mommy? Sit properly. This is the way to sit in the class. Chalo, now get your numeracy workbook. Numeracy workbook, page number 56. ओके, चलो सब्ट्रैक्शन. तो वी हैड कंप्लीटेड सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी, आज मैम फिर से बता रही हैं आपको. ठीक है, फाइव माइनस वन. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसमें हम ओपोजिट करते हैं. जैसे एडिशन में हम पहले नंबर को माइनस में रखते हैं, है ना, और सेकंड फिंगर उठाते हैं. सब्ट्रैक्शन में हम सेकंड नंबर को माइनस में रखेंगे, जो छोटा नंबर है हम उसे माइनस में रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, we start counting from the number till जब तक हम बड़े नंबर तक नहीं पहुंच जाते. ठीक है, so the small number, second number is one here, so we have to keep one in our mind. One को हमने mind में रखा, अब हम counting start करेंगे one के बाद. कहाँ तक count करेंगे, till five, till we reach five. Come on, start. Start counting after one. One को हमने mind में रखा, start counting after that. Two, three, four, five. और कब तक काउंट करेंगे, जब तक हम फर्स्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते. ओके, फाइव. नाउ काउंट द फिंगर्स. अब फिंगर्स काउंट करो, क्या आंसर आया, वन टू थ्री फोर. सो द आंसर इज फोर. आई हैव रिटन ना हियर पेज नंबर 56, फोर. द आंसर इज फोर. ओके, आई एम राइटिंग द बुक नेम एंड द पेज नंबर इन द चैट बॉक्स एज वेल. Yes, numeracy skill book. Page number 56. Okay? Chalo, now, bachcho, next one. 5 minus 3. Aapko yahan se copy nahi karna hai, try to do it. Come on. Ab bachcho, pay attention here. What is the small number here? Second number kaun sa hai isme? 3, है ना. दूसरा नंबर कौन सा, 3. ओके, सो वी हैव टू कीप 3 इन अवर माइंड. हम 3 को माइंड में रखेंगे. ओके, एंड देन वी हैव टू काउंट आफ्टर 3 टिल वी रीच 5. हमें 3 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, जब तक हम 5 तक नहीं पहुंच जाते. 4,
5. Okay, so now count the fingers. 1 and 2. So what is the answer? 2. Those who have completed, you kindly do the homework as well. So you have to practice ho jayegi at least. Okay. Now, the next one. 5 minus 2. Now, bacho, what ma'am has told you? That we have to keep the second number in our mind. Theek hai? Jo dusra number usko mind mein rakhenge. So, dusra number is this. So, we have to keep number 2 in our mind. And then we have to start counting. Ab 2 ko mind rakhne ke baad, hum 2 ke baad start karenge counting karna. Aur counting kahan tak karenge? Jab tak hum pehle number 5 tak nahi pahunch jate. So, start counting up to 2. 3, 4, 5. Okay, now count the fingers. What's the answer? 1, 2, 3. So, 3 is the answer here. Come on, do it. Okay. Chalo, now next. Next one is very simple. 7 minus 0. I think you don't need my help. Aapko meri help ki zarurat nahi hai. What comes here? 7 mein se hum 0 minus karenge. 0 abhi humne kaha tha. कि जब भी हम किसी नंबर में से जीरो माइनस करते तो वो नंबर वापस से आ जाता है. इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7. Now, 6 minus 3. Okay, so what we have to do? We have to keep the second number in our mind. Humne dusra number mind mein rakha, that is 3. Now, we have to start counting after 3. Ab hum 3 ke baad count karna start karenge. Aur kahan tak count karenge? Jab tak 6 nahi aa jata. Okay, so start counting after 3. 4, 5, 6. Okay, so how many fingers? 1, 2, 3. So what is the answer here? 3. Ma'am, which book you are opening? Look, page number 56. Ye dekhiye. Numeracy workbook, page number 56. Okay, I have written a scale book, but it is a numeracy workbook. Okay, it is numeracy workbook. I have written on the board as well. And parents, aap one day prior, aapko PDF milti hai. Everything was written there. Please, aap log wo page ko nikal kar rakhiye. Theek hai? It's numeracy workbook, page number 56. Okay, now the next one is 6 minus 2. Okay. The same process we have to use. Second number we have to keep in our mind.
दैट इज टू, हमने टू को माइंड में रखा और अब टू के बाद से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे फिर द बिग नंबर जब तक हम सिक्स तक नहीं पहुंच जाते. ओके अब टू के बाद स्टार्ट करो, 3, 4, 5, 6. ओके अभी हमने काउंट कर लिया, अब आपको फिंगर्स काउंट करने फॉर गेटिंग द आंसर. 1, 2, 3, 4. सो व्हाट इज द आंसर हियर? 4. And the last one, I think you can do yourself. That is 8 minus 0. 8 minus 0 is equal to 8. 8 में से जब हम कुछ माइनस करेंगे ही नहीं, 0 माइनस करेंगे, तो द नंबर विल कम अगेन. 8 minus 0 is equal to 0. Sorry, 8. Okay, completed. Okay, can you kindly see? Can you check the book? Completed, everyone. Come on, do it fast. Yes, so they're done. Okay, ma'am, kindly check it. Okay, very good, everyone. Very good. You all have completed as I can see here. मैं तो अभी लिख ही रही थी, but आप लोगों ने उससे पहले ही कंप्लीट कर लिया. That's a very good thing, बच्चों. Very nice. Well done. Okay, Saksham, done. Okay, ask your mama to check it, बच्चे. Come on. We start with चार नौकर. The first one is चार नौकर. Start. मेरे पास चार नौकर हरदम रहते हैं तैयार, दो तो हैं ये मेरे हाथ, देते मेरा हरदम साथ, दो ही हैं ये मेरे पैर, कमान मुझे कराते हर दिन से, ना पीते हैं ना खाते हैं, जहां कहूं मैं ले जाते हैं. ओके नाउ द नेक्स्ट टाइम इज पलंग. एज आई कैन सी सम ऑफ यू आर नॉट डूइंग, सो आई एम नोटिंग डाउन योर नेम. ओके बच्चों आप जो नहीं कर रहे ना, नोटिंग डाउन योर नेम, विल इंक्लूड दिस मार्क्स आल्सो इन द एग्जाम. ओके अभी आपको जो पॉइंट्स मिल रहा है ना बच्चों, मैम इज नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग कि कौन कर रहा है कौन नहीं, तो आपके सारे मार्क्स में इंक्लूड करूंगी ना फाइनल टर्म. देन डोंट टेल मी एट दैट टाइम कि मैम हमें क्यों कम मार्क्स आए. कम ऑन द नेक्स्ट टाइम इज पलंग. स्टार्ट. एक पलंग पर बच्चे चार कैसे सोए टांग पसार, उनमें से एक भरे खराते और दूसरा उसको जाते, तीजा दोनों को समझाए, चौथा जा खड़ा हो जाए, चारों लड़ने को तैयार, एक पलंग पर बच्चे चार कैसे सोए टांग पसार.
ऑल राइट, चलो नाउ द नेक्स्ट टाइम देन विल डू अवर इंग्लिश वर्क. कम ऑन बच्चों, द नेक्स्ट टाइम इज बच्चों की रेल. द नेक्स्ट टाइम इज बच्चों की रेल. स्टार्ट. बच्चों की आ रेल निराली, कम ऑन, दौड़ रही है बिना सवारी. स्टेशन बिना ही रुकती जाती, छुक छुक कर फिर बढ़ती जाती. बिना इंजन यह दौड़ लगाती, घर से दूर यह नहीं जाती. देखो बच्चों की यह रेल, यह है इनका प्यारा खेल. ओके, ऑल राइट बच्चों, चलो सिट डाउन. Now get your English copy. And one more thing I want to tell you that I'm taking the attendance daily in the second slot only. ठीक है, जो second slot में present है बस उनकी ही attendance लग रही है. The rest I'll mark absent for you. जो बार बार अपनी class leave करते हैं. ठीक है, I am taking the attendance in the second slot only. जो second slot में नहीं रहते हैं उनकी absent लगेगी class में. Okay. Now take English 2 copy. We'll do our yesterday's remaining work. Yesterday's remaining work we have to do now. Come on. So we'll do the revision of my garden. ठीक है, my garden composition. मतलब मेरा garden, my garden. Okay. So write down today's date 16-2-2022. Come on. Number one. I have, H-A-V-E, have, I have, you have to leave one finger gap between each word. Whenever we are writing sentences, जब भी हम sentences लिखते हैं, so we have to leave one finger gap between each word. जैसे मैंने I लिखा, then leave one finger gap, then have लिखा, then again leave one finger gap. Okay, in this way you have to write. I have a garden, G-A-R-D-E-N, garden. I have a garden in my, M-Y-M-Y, H-O-U-S-E, house. I have a garden in my house. I have a garden in my house. I have a garden in my house. Then, number two. नंबर टू इज आई हैव अ गार्डन इन माई हाउस, मतलब मेरे घर के बाहर या मेरे घर में एक गार्डन है. देयर, टी एच ई आर ई, देयर,
bears are a r e r there are m a n y many there are many flowers f l o w e r s flowers मतलब हम मेरे घर में एक गार्डन है और देयर आर मेनी फ्लावर्स इन इट मतलब उसमें गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं इन इट Then write down these two. I have a garden in my house. There are many flowers in it. There are many flowers in it. Go, Limaki. Okay, now I'm raising the first one. Now, number three is I have S A V E. I have O N E one. I have one. I have one. B I G big. Slide. S L I D E slide. I have a one big slide in my garden. मतलब मेरे गार्डन में एक बड़ी स्लाइड है I have one big slide in my garden. मेरे गार्डन में एक बड़ी स्लाइड है I have one big slide in my garden. Parents, कोई भी थ्री सेंटेंस यू कैन मेक देम लर्न फॉर एग्जाम ठीक है फोर में से थ्री सेंटेंसेस कोई भी आप उनको लर्न करा सकते हैं फॉर द एग्जाम देन नंबर फोर इज E V E R Y every E V E R Y every E V E N I N G every evening I play P L A Y play every evening I play W I T H with every evening
I play with my environment. FRIENDS, friends. Every evening, I play with my friends in the garden. GARDEN, garden. Every evening, I play with my friends in the garden. एवरी इवनिंग, हर शाम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेलता हूँ या खेलती हूँ. द मीटिंग इज अबाउट टू एंड नाउ. ओके, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड. बच्चों, एवरी इवनिंग आई प्ले विथ माय फ्रेंड्स इन द गार्डन. कम ऑन, राइट डाउन. Every evening, I play with my friends in the garden. Now, bachcho, the meeting is